हेलो एवरीवन, दिस इज मी गप्पन ओसी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर नदी में हूँ। समर वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ नदी में। तो अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ रेज इको रिसोर्ट में। आलो और कांबा का बीच में है, वाक में है। तो मैं आप सभी को रिसोर्ट भी दिखाना चाहूँगी। और मैं अभी यहाँ रिसोर्ट के आगे में एक नदी है, तो वो नदी में बैठ रही हूँ और नदी का मज़ा ले रही हूँ। और पीछे में मेरा दोस्त दोनों है। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ रिसोर्ट भी और ये नदी का नज़ारा भी। देखिए गाइस, बारिश आ चुका है। बारिश रुकने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से कांबा की। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सेफ ट्री सेफ लाइफ, वो ही है ना जरा, ये हम लोग को सेफ कर रहे हैं। गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं। बारिश भी रुक गया, थोड़ा पहले बारिश हो गया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठा था, तो अभी रिसोर्ट की ओर ले जाती हूँ आप सभी को। हम लोग नदी का किनार पे बैठा था, तो अभी घर जाएगा, नहीं घर नहीं जाएगा, तो हम लोग उधर है वहाँ पे ग्रीनलैंड, जो मैंने अपने पहले वाला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना ग्रीनलैंड का, तो शायद हम लोग वो जगह में जाने वाले हैं। तो गाइस, रिसोर्ट ये ऊपर में है, उसके बाद ये नीचे में एक सुंदर सा नदी बह रहा है। तो मैं आप सभी को रिसोर्ट दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। और यहाँ पे सुंदर सा चेयर बैठने का जगह अरेंज करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप नज़ारे बहुत ही खूबसूरत से देख सकते हैं। यहाँ पे ठंडा या सॉफ्ट ड्रिंक कुछ लेके आराम से यहाँ पे नेचर को फील कर सकते हैं आप लोग। आप देख सकते हैं यहाँ बैठ के नेचर इतना खूबसूरत है, यू कैन फील द नेचर। तो अभी मैं आप लोगों को रिजॉर्ट की ओर ले जाती हूँ, चलिए मेरे साथ। रिसोर्ट और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह दिखते हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे एंट्रेंस वहाँ से है, मैं अब जाने टाइम दिखा दूंगी आप लोगों को। और यहाँ में एंट्री भी 50 पर पर्सन का, एक आदमी का 50 रुपीस लेते हैं, 50 रुपीस। तो आप सब यहाँ भूलना नहीं है, एंट्री फी दे के आना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है, पर भी यहाँ का मज़ा लेने आप लोग आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, तो आप लोग आ सकते हैं। तो अभी हम कांबा जा रहे हैं, तो वहाँ का फिर वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तथा अभी हम लोग ये रिसोर्ट से निकल रहे हैं, अभी जाएंगे ग्रीनलैंड की ओर। अपना एरिया में वो कांबा में है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी ग्रीनलैंड। और वहाँ पे अभी हम लोग करेंगे रोस्टिंग, तो मेरे साथ बने रहिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और ये रास्ता से आलो जाते हैं और यहाँ से कांबा। बाय बाय गाइस, मैं जा रही हूँ ग्रीनलैंड की ओर। फाइनली हम लोग ग्रीनलैंड पहुंची गया। और यहाँ पे आके रोस्टिंग करने का बात था, अफसोस की बात ये है, ये कैंसिल करना पड़ा। एक्चुअली हम लोग का बस्ती में आज पूजा हो रहा है ना, तो पूजा होने के बाद ये ब्रिज में कुछ
मतलब पूजा उजा करके फ्रिज को बंद करेगा तो कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा और कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा ना, मतलब पूजा मतलब नियम ही ऐसे है हम लोग का रिचुअल ना, तो इसके लिए हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। रोस्टिंग करने के लिए अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुख लग रहा है और बहुत भूख भी लग रहा था, मीट खाएगा सोच रहा था, मतलब चिकन खाएगा सोच रहा था, तो खाने नहीं मिला है। तो हम गिर अभी थोड़ा बैठेगा ग्रीनलैंड, सॉरी आज के लिए रोस्टिंग करने का पार्ट था, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत खाने का मन था तो नहीं कर पाया। कभी भी रोस्टिंग का वीडियो बना के दिखा दूँगी आप लोग को। तो थोड़ा दोस्त लोग के साथ थोड़ा यहाँ पे बैठ लेगा। तो पहले वाला ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ का नज़ारा ना, तो अभी आप सब देख सकते हैं व्यू को, इतना खूबसूरत है, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए माफ़ कर दीजिए मुझे ना, माफ़ी चाहती हूँ। तो थोड़ा दोस्तों को सब देख लेगा। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।